नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशांतिका में। तो मैं जो है आज आपको स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकल नेचर ऑफ वायरस के बारे में बताऊंगी कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और बायोकेमिकल नेचर कैसी होती है वायरस की। तो उसके बारे में सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, वायरस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट। वायरस जो है काफ़ी सारे डिफरेंट पार्ट पर मुश्तमिल है, जैसे कि वायरल जीनोम, कैप्साइड, एनवेलप और कवरिंग, टेल फाइबर। ये जो चार पार्ट्स हैं ये वायरस में पाए जाते हैं, कि इन चारों पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है इनकी स्ट्रक्चर, बायोकेमिकल नेचर, सब कुछ इन चारों में ही आ जाता है। तो उससे पहले ये एक लाइन छोटी सी इन्होंने एक्सप्लेन के लिए लिखी है कि इन वायरस साइटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड प्रॉपर न्यूक्लियस आर एब्सेंट। अब कहते हैं कि वायरस के अंदर, मैंने आप लोगों को इससे पहले जो वीडियो बनाई वो मैंने वायरस के बारे में ही बनाई कि वायरस क्या है और उसे सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो सब कुछ उस वीडियो में है। तो ये कहते हैं इन वायरस साइटोप्लाज्म, मैंने ये भी बताया था उस वीडियो में कि वायरस जो है नॉन सेलुलर है। आप सबको पता है कि वायरस के अंदर कोई सेल नहीं पाया जाता है। तो ये कहते हैं वायरस साइटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड प्रॉपर न्यूक्लियस आर एब्सेंट। वायरस के अंदर साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। उसके बाद वायरल जीनोम हम शुरू करते हैं, पहला इनका जो स्ट्रक्चर या बायोकेमिकल नेचर कह लें वायरल जीनोम से। इट इज़ इनर पार्ट कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड। ये जो है अंदर का एक हिस्सा है वायरस का, जिसे न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए और आरएनए। ये जो है मुश्तमिल होता है एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, किसके, डीएनए या आरएनए के। इन स्मॉल वायरस फोर जीनोम एंड इन द लार्ज वायरस सिवरल हंड्रेड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। अब जो कहते हैं कि छोटा जो वायरस होता है उसके अंदर फोर जीनोम प्रेजेंट होते हैं, और जो बड़ा वायरस होता है उसके अंदर सिवरल हंड्रेड मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, किसके, डीएनए और आरएनए के। उसके बाद इन मैनी वायरसेस न्यूक्लिक एसिड इज़ डिफरेंट। काफ़ी सारे वायरसेस में जो न्यूक्लिक एसिड है वो डिफरेंट होता है, जैसे कि इन एनिमल वायरसेस एंड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आपको पता है कि जब बैक्टीरिया पर कोई वायरस अटैक करता है तो उसके नाम दिया जाता है बैक्टीरियोफेज। यूजुअली डीएनए इज प्रेजेंट। अब कहते हैं इन एनिमल वायरसेस, जो एनिमल को वायरस जो अटैक करता है उसे एनिमल वायरसेस कहते हैं, कि एनिमल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, यूजुअली डीएनए इज प्रेजेंट। उनके अंदर जो है वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट वायरस मोस्टली आरएनए इज प्रेजेंट। प्लांट जो वायरस होते हैं उनमें मोस्टली आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कैप्साइड। कैप्साइड क्या है, द सेंट्रल पार्ट जीनोम और न्यूक्लिक एसिड। अब हमें पता है, हमने न्यूक्लिक एसिड और जीनोम के बारे में पढ़ चुके हैं, वो सेंट्रल पार्ट और इनर पार्ट है किसका, वायरस का। उसके बाद ऑफ वायरस कवर्ड बाय एन आउटर प्रोटीन कोट। ये जो कैप्साइड है ये क्या है, एक प्रोटीन कोट है जो कि बिछी हुई होती है, कवर्ड हुई होती है किसके ऊपर, न्यूक्लिक एसिड या जीनोम, वायरल जीनोम के ऊपर, ठीक है, उसे कहा जाता है कैप्साइड। द कैप्साइड कंसिस्ट ऑफ मैनी यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स। ये जो कैप्साइड है, ये प्रोटीन कोट, ये जो है कंसिस्ट होती है काफ़ी सारे यूनिट्स पर, कौन से इसके यूनिट्स है, कैप्सोमर्स, सही है। द कैप्साइड एंड न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड न्यूक्लियोकैप्साइड। अब जब न्यूक्लिक सॉरी कैप्साइड और न्यूक्लिक एसिड जब आपस में कंबाइन होंगे तो हम उसे नाम देंगे न्यूक्लियोकैप्साइड। द अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमर्स गिव द पर्टिकुलर शेप टू द वायरस। अब ये जो कैप्सोमर्स है ये क्या करते हैं, ये एक पर्टिकुलर शेप जो है वो प्रोवाइड करते हैं किसे, वायरस को, ठीक है। उसके बाद वायरल इन्वेलप। अब वायरल इन्वेलप क्या है, अराउंड द कैप्साइड एंड आउटर थिन मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। अब जो हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड भी आ गया या वायरल जीनोम कह लें वो भी आ गया, उसके अराउंड एक प्रोटीन की कोट होती है जिसे कैप्साइड कहा जाता है, वो भी आ गई, और उसके भी ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन, मतलब पतली सी एक मेम्ब्रेन बिछी हुई होती है जिसे एनवेलोप कहा जाता है। ये हर किसी वायरस में नहीं होती, कुछ ऐसे चंद वायरस होते हैं जिसके अंदर ये जो है एनवेलोप की मेम्ब्रेन जो है ये पाई जाती है। इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ वायरस। ये क्या करती है कि वायरस की जो एक्टिविटी है उसे थोड़ा मजबूत बनाती है, उसकी जो एक्टिविटी है उसे बढ़ाती है बस।
उसके बाद वायरल टेल फाइबर्स क्या है, इन सम वायरसेस एज फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर का, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे नुमा स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट एट द लोअर साइड. अब फाइबर मैंने बता दिया कि धागे नुमा जो कोई स्ट्रक्चर है उसे फाइबर्स कहा जाता है, आर प्रेजेंट एट द लोअर साइड. वायरस के जो टेल पोर्शन है उसके बिल्कुल नीचे जो है एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे टेल फाइबर कहा जाता है, विच हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द बॉडी ऑफ होस्ट. जब वायरस किसी होस्ट बॉडी को अटैक करती है या उस पर चिपक जाती है वायरस, तो उनमें जो है ये फाइबर्स जो है वो फाइबर्स जो है हेल्प करते हैं उसे किसी भी होस्ट बॉडी को अटैक करने में. उसके बाद ये जो है वायरस का स्ट्रक्चर है, आप लोग देख लें, मैंने पहले बताया कि वायरल जीनोम सेंटर में पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं आप लोग, और उसके ऊपर एक प्रोटीन की कोट जिसे कैप्साइड का कहते हैं, और उसके ऊपर एक इनवलोप की थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि उसे उसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ करती है. उसके बाद ये टेल पोर्शन है, और टेल पोर्शन के बिल्कुल नीचे ये देखें ये जो लाइंस मैंने लगाई हैं ये फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि किसी भी होस्ट बॉडी को अटैक करने में हेल्प करती हैं. उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.